हाय गाइस, वेलकम बैक। बॉस विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, एक तो टाइटल ही अपने आप में बहुत ही अतरंगी है। आज इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। देखो यार, कोई ऐसी फिल्म जिसको हम लोग चाह रहे थे बहुत समय से, फन मूवी होनी चाहिए। 2024 में हमने देखा है काफी सारी हॉरर कॉमेडीज बहुत चली हैं, कॉमेडीज इफ यू सी बहुत चली हैं एज कम्पेयर टू सीरियस मूवीज। ओके, और मुझे मेरा दशहरा की चॉइस, फर्स्ट चॉइस मिल चुकी है, जो मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाली हूँ, विच इज विक्की विद्या का वो वाला वीडियो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे इसके ट्रेलर से 0% क्विक की उम्मीद थी कि ये क्या नाम है, अजीब सा नाम है, और इसमें राजकुमार राव है, साथ में तृप्ति डिमरी का क्या मेल बनता है, क्या होने वाला है फिल्म में, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब आज ट्रेलर देखा है ना भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि यार मजे आने वाले हैं। एक ऐसी फन मूवी होने वाली है लंबे समय के बाद, जिसको देखने के लिए ना आप अपना दिमाग घर पे छोड़ के जाइए। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बैगेज लेके जाना है, बड़ा दिमाग लगाना है, शेरलॉक होम्स बनना है, नो। यहाँ पे हमारे को प्रॉपर फन मूवी देखने को मिलने वाली है, विच इज दिस मूवी। एंड मजा ही आ गया यार ट्रेलर देखकर, बहुत ही फन लग रहा है। एक चीज आपको बताऊं कि देखो, राजकुमार राव ही इज नोन फॉर हिज सीरियस रोल्स, बट राजकुमार राव की कॉमिक टाइमिंग भी उतनी ही अच्छी है जितना उनका सीरियस रोल्स का टाइमिंग है। अगर आपको गन्स एंड गुलाब्स था, मेरे ख्याल से गन्स एंड गुलाब्स ये जो नाम था, यही थी एक वेब सीरीज थी ना जो राज एंड डीके की थी, अगर आपको वो याद है, उसमें जो राजकुमार राव था भाई, ठीक है, वो बिल्कुल क्वर्की, साथ में कॉमिक टाइमिंग भी है, साथ में वो डरा हुआ सहमा हुआ भी है, वो राजकुमार राव। या स्त्री टू का राजकुमार राव जो हमने देखा, विक्की प्लीज यार, मतलब क्या जबरदस्त उसमें कॉमिक टाइमिंग है उसकी, जिस तरीके की डायलॉग डिलीवरी रहती है इतनी फास्ट, और एक दो मोनोलॉग्स भी ऐसे आपको याद होगा भाई, देख करके मजा आ जाता है राजकुमार राव को। यहाँ पर भी मुझे वही राजकुमार राव देखने को मिले जो मैंने स्त्री में देखे, कहीं ना कहीं रिजेम्बलेंस बहुत है, मतलब बाल वैसे हैं, गंजन गुलाब जैसे लंबे लंबे बाल हैं, और यहाँ पर जो कैरेक्टर है वो विक्की जैसा कुछ कुछ कैरेक्टर है, लेकिन मस्त, एकदम मस्त। मुझे तो कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया, इट्स अ फन कॉन्सेप्ट, दिस इज वॉट वी वॉन्ट एज सिनेमा। हमें ना बहुत बड़े बड़े VFX नहीं चाहिए। VFX भी चलो आज के टाइम में तो बहुत अफोर्डेबल हो गया, फिर भी कुछ फिल्में ऐसी आती हैं जो 600-600 करोड़ की होती हैं, लेकिन VFX अच्छा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हमको चाहिए ना कहानी, जब कहानी लाओगे उसमें VFX लाओगे समझ में आता है। लेकिन हे वाया, सिर्फ VFX बना रहे हो और ऑडियंस को चूना लगा रहे हो, और ये कह रहे हो भाई देखो जॉर्डन में सॉन्ग शूट हुआ है, भाई देखो इस फिल्म में इतना एक्शन लगाया है, हमने हेलीकॉप्टर से कुदवा दिया अपने हीरो को, हमें वो नहीं चाहिए एज एन ऑडियंस, वी वॉन्ट गुड स्टोरीज, दैट्स इट, इट्स सो सिंपल। एंड आई हैव फाउंड माई चॉइस फॉर दशहरा, मैं ये मूवी जरूर देखने वाली हूँ भाई, मजा आया। ट्रेलर इज अ फन राइड, ट्रेलर देख करके मूवी का कैलिबर समझ में आता है। नाउ द डायरेक्टर इज द सेम ऑफ ड्रीम गर्ल 1, ड्रीम गर्ल 2, अगर आपको दोनों ही फिल्में याद हैं तो। ऑफकोर्स आयुष्मान खुराना हम सबको याद है, एंड मेरे दिल का टेलीफोन तो सॉन्ग बहुत ही अच्छा, उसने बहुत ही अच्छा बज क्रिएट किया था। अब देखना यह है कि इस फिल्म का बज कैसा रहता है, जबकि अभी रिलीज के बहुत पास आ चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको ज्यादा प्रमोशन की जरूरत ही नहीं है, ये एक मास मूवी होने वाली है। अगर इसकी टिकट प्राइसिंग बहुत अच्छी रही तो भाई ये फिल्म जम के कमाएगी। और इस साल में हमने देखा है अंडरडॉग मूवीज जो है ना, जिनका ज्यादा लोगों के बारे में पता है, लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन कहानी अच्छी है, वो फिल्में आज के समय में रूल करती हैं बॉक्स ऑफिस को। एक और ऐसा एग्जाम्पल था, इस साल में ही आया था, तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया, वो फिल्म भी बिल्कुल लोगों ने एक तरीके से नकार, मतलब सॉरी नॉट लोगों ने नकारी थी, वो मूवी का प्रमोशन नहीं हुआ था ज्यादा, मल्टी सिटी टूर जरूर हुए थे मुझे याद है, लेकिन ऐसा नहीं था कि भाई ऐसा कुछ हो जाएगा कि इतना करोड़ों रुपया लगा देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे यू नो, और आसमान में उसका पोस्टर लॉन्च करेंगे, वो सब नहीं किया था, वो सब चोंचलेबाजी नहीं थी। मूवी बहुत अच्छी थी और मूवी ने बहुत अच्छा बिजनेस किया था, बहुत ही बढ़िया बिजनेस किया था। और भी कई ऐसी फिल्में आई थी इस साल में, और मुझे लगता है इसी लिस्ट में एक और नाम शामिल होने वाला है। ये तृप्ति डिमरी की इस साल की दूसरी मूवी है, और एनिमल से लेकर अब तक, इनफैक्ट बीच में हीर रांझा भी रिलीज हुई है, तो आप कह लो तीसरी मूवी है इस साल में उनकी। और साथ में हम लोग देख रहे हैं कि एनिमल से जो सिलसिला शुरू हुआ है उनके फैन फॉलोइंग का, इट्स गोइंग टू बी मास क्रेजी जब मूवी रिलीज होगी। पता है ट्रेलर में मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी, मुझे ट्रेलर में सबसे अच्छी बात लगी द स्टार कास्ट, नॉट जस्ट दीज टू पीपल, तृप्ति डिमरी और राजकुमार राव, मुझे साथ में जिस तरीके के विजय राज दिखाई दिए, मल्लिका शरावत आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, एंड आई जस्ट एंजॉयड वॉचिंग हर, बिकॉज आई थिंक वो इन क्वर्की ऐसे बिम्बो वाले रोल्स में वो बहुत अच्छी लगती है, और बहुत समय के बाद देखने में मिली है। और भाई दलेर पाजी का ना 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 रे ना रे ना, मजा आ गया सुनकर। एंड यू नो दिस इज गोइंग टू बी शोर शॉट ब्लॉकबस्टर, शोर शॉट ब्लॉकबस्टर मुझे दिखाई दे रही है। कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है यार, मस्त कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी चीज़ है, वो वाला वीडियो जो है वो खो जाता है, और एंड देन यू कैन इमेजिन कि क्या क्योस क्रिएट होता है। बट आई एम सरप्राइज टू सी कि तृप्ति डिमरी का भी कॉमिक टाइमिंग अच्छा लग रहा है इसमें देखकर, बट राजकुमार राव ही स्टील्स द शो। सो मजा आएगा देखकर। कैसा लगा है आपको ट्रेलर, आपका क्या रिएक्शन है, कितना इंतजार करने वाले हो उस फिल्म का, और आपको क्या लगता है जिगरा वर्सेस विक्की विद्या ये जो फिल्म है, इन दोनों में से कौन सी फिल्म का ज्यादा बज है,
कौन सी फिल्म ज्यादा पैसा कमाने वाली है। देखो मैं आपको बताऊं, जब ये क्लैश होगा, ये तो होगा क्लैश, इस टाइम पर प्रमोशन जिगरा का ज्यादा होगा, धर्मा की फिल्म है, लेकिन फिल्म जो चलेगी, जो ऑडियंस को पसंद आएगी, वो विक्की विद्या होगी। मैं आपको अभी आज बता देती हूँ ऐसा होगा, ठीक है? तो आपको कैसा लगा है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, व्हिच इज ऑल्सो